पब्लिक का रिव्यू देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि कोई अपने बच्चे का नाम अब आदि नहीं रखने वाला। तो कहानी कुछ अब इस तरीके से शुरू होती है कि 2000 साल पहले आदि पुरुष के डायरेक्टर ने इस मूवी को बनाया, ट्रेलर को लॉन्च किया, फिर पता क्या चलता है कि नहीं, ये मूवी तो चल ही नहीं रही है, लोग गाली दे रहे हैं कि यहाँ पे डायरेक्टर रिलीजन के साथ खेल रहा है। बट अब इस मूवी को लेट डाउन तो नहीं कर सकते, क्योंकि इस मूवी में हमारे बाहुबली हैं, साथ ही साथ यहाँ पे VFX पे बहुत ही अच्छा खासा पैसा लग चुका है। ब्रह्मास्त्र को देखने के बाद इन्होंने ये भी सोचा कि लाओ हम भी अपने इस आदि पुरुष के मूवी में एक अच्छा खासा VFX डाल के लोगों के जेबों से पैसा निकाल सकते हैं, बट ऐसा हुआ नहीं। तो जब डायरेक्टर को ये सब पता चला ट्रेलर लॉन्च होने के बाद, तो उन्होंने मीडिया हाउस को फोन किया और फोन करके ये कहा कि आप लोग एक मिठाई का खाली डिब्बा लेके आइए। तो उस रात एक अच्छी खासी पार्टी बैठी गई, तो जहाँ पे उनको पता चला कि आदि पुरुष के बारे में, अब उनको एक अच्छी अच्छी मीठी मीठी बोल बोलनी है आदि पुरुष के ऊपर। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। तो जब से देखा जाए, जब यहाँ पे आदि पुरुष का सेकंड ट्रेलर आया, उसके बाद से मीडिया हाउस फुल ऑन यहाँ पे अच्छी अच्छी बातें, मूवी इतनी हिट जाएगी, सारा रिकॉर्ड तोड़ देगी, इसमें हमारे बाहुबली है। और उसके बाद आइए आते हैं आज का पब्लिक रिव्यू देखते हैं। पिक्चर एक आस्था से जुड़ी हुई है हमारे, मतलब श्री राम भगवान है हमारे, लेकिन ये फिल्म उनसे आशीर्वाद के बिना पिक्चर बनाई गई है। मतलब आशीर्वाद दिया लेकिन प्रसाद नहीं मिला हमको, ऐसा बोल सकते। मतलब पिक्चर इज नॉट अप टू द मार्क, मतलब एज इन बैड VFX, बैड एक्टिंग, इवन बैड VFX हो गया। मतलब कॉपी करने की पूरी अच्छी कोशिश की ब्रह्मास्त्र से, बट हुआ नहीं वैसा। बैड ऑल मतलब बैड एक्टिंग भी थी। अब एक्टिंग में आप किसको कह सकते हो, प्रभास को कह सकते हो या फिर कृति सैनन को कह सकते हो। बात करोगे अगर यहाँ पर सैफ अली खान की, तो उनकी एक्टिंग तो भाई अलग ही लेवल की है, काफी अच्छी एक्टिंग स्किल्स है उनकी। सब कुछ बोल सकते हैं, मतलब कुछ उम्र ने थोड़ा ज्यादा गड़बड़ कर दी है, सो इट्स नॉट गुड। बोल अब ऐसा भी नहीं कि प्रभास की भी एक्टिंग स्किल खराब है, बट ये भी सोचने वाली बात है, अगर रोल मिल रहा है यहाँ पर राम जी का, तो राम जी के रोल में वो और क्या एक्टिंग कर सकते हैं। अब इससे ज्यादा एक्टिंग मेरे ख्याल से वेरी गुड, बट क्या है ना, उनका जो कैरेक्टर है रावण, लंकापति रावण, जो जैसा रावण दिखना चाहिए वो उस तरह से रावण नहीं है, बस जज नहीं, वो सूट ही नहीं हो रहा है। उनका कैरेक्टर जिस तरह से डेवलप किया है, मजा ही नहीं आया, टू बी वेरी फ्रैंक। और प्रभास, उनको हम लोग डार्लिंग प्रभास बोलते हैं, सेम एक्सप्रेशन से उन्होंने किया, कोई एक्सप्रेशन नहीं, हाव भाव नहीं, मतलब एक्टिंग में जान ही नहीं है। जो अरुण गोली जो 90s में उन्होंने रामायण श्रीराम अरुण गोली, मतलब शायद ऐसे अरुण गोली ने उनका जो उन्होंने श्री राम, मतलब उन्होंने उनको भगवान मान लिया, तो ये इसमें कोई जस्टिफाई नहीं किया। मतलब म्यूजिक क्या था, हाँ म्यूजिक इज वेरी गुड, मतलब अजय अतुल नो डाउट मैन, उनका वो आग बंद कर सकते हैं, उनके भरोसा कर सकते हैं, तो म्यूजिक इज सुपर माइंड ब्लोइंग बोल सकते हैं, और BGM जबरदस्त। लेकिन अब म्यूजिक तो अच्छी होगी होगी। अब देखो म्यूजिक में क्या है कि हम लोगों को एक दिल को छूना चाहिए, एक अच्छी म्यूजिक होनी चाहिए, एक अच्छी बीट होनी चाहिए। सर बहुत खराब फिल्म है, बहुत जेन्युइनली बहुत खराब फिल्म, बहुत बुरा लगा कि रामायण फिल्म बनाई है, बड़ी फिल्म बनाई, उम्मीद थी अच्छी रहेगी, बहुत खराब फिल्म बनाई है सर, बहुत ज्यादा। मतलब आप सिर्फ ये नाम पे फिल्म लेके आते हो कि भाई हम धार्मिक सेंटीमेंट पे फिल्म बनाएंगे, फिल्म चल जाएगी, और कुछ भी दिखा दो नहीं चलेगा। फिल्म के स्पेशल इफेक्ट्स खराब है, स्पेशल इफेक्ट्स हमने जानबूझकर देखिए, ठीक है, आप समझो इतने खराब स्पेशल इफेक्ट्स है। प्रभास जो पहले अच्छे लगते थे, पता नहीं उन्होंने मेहनत लेनी छोड़ दी बाहुबली के बाद, वो दिख ही नहीं रहे यार। यही है ना कि नाम और फेम अच्छा पा गए तो उसके बाद नहीं दिख रहे हैं। अब उस टाइम पे क्या थे कि बाहुबली जैसी मूवी अभी तक इतिहास में नहीं बन रही थी। अब वैसे अगर कोई नई मूवी आती है तो तब जाके इतनी ज्यादा वो मूवी चली है। बट आप सोचो कि वैसे ही टाइप की मूवी आप बार बार लाते रहोगे, अब आप जाके इतिहास की कहानी उठा के उसके ऊपर मूवी फिर से बनाओगे, जो कि मोस्टली रामायण सब लोग ने देख रखी है, उसके ऊपर फिर से बनाना और उसको अलग लेवल से दिखाना, कुछ कुछ खर्चा नहीं दिख रहा है सर, कुछ मैं इतना डिसअपॉइंटेड हूं एक पॉइंट पे, मुझे अगर वो भड़के तो फर्क नहीं पड़ता। आप रामायण पे फिल्म लेके आ रहे हो यार, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, आपने क्या करके रखा अंदर? कृति सैनन बहुत सुंदर दिख रही है, उनका रोल छोटा है। सेफ का वो ये कि आप अच्छे एक्टर हो, लेकिन आप क्या मतलब क्यों, आपका रोल जब खराब रहेगा कोई कुछ नहीं कर सकता। वैसे आपको डायलॉग खराब, एक पॉइंट पे सेफ आके फिल्म में बोलते आपको कोई काम धंधा नहीं है, मतलब ऐसे डायलॉग लिखा कैसे, आप रामायण बना रहे हो यार, कम ऑन। ये पॉइंट है, अब सोच के देखो कि रामायण में आपने कभी ऐसा सोचा है कि रावण आके ऐसा बोले राम जी से कि आपको कोई काम धंधा नहीं है क्या? तो अब जाहिर सी बात है कि लोगों के दिमाग में एक अच्छी छवि बैठी हुई है, राम जी की अलग है और रावण की अलग है। अब उसके साथ आप छेड़छाड़ या उंगली करने की कोशिश करोगे तो लोगों से तो भाई गाली पड़ने वाली है। हाँ, म्यूजिक अजय अतुल अच्छा है, वो मेन पॉजिटिव है, अजय अतुल ने म्यूजिक बहुत अच्छा दिया, वो जैसे राम गाना बहुत अच्छा, बात खत्म। लेकिन उसके अलावा फिल्म में कुछ नहीं है, मैं वैसा आदमी नहीं हूँ जो बोलता है, बट मैं दिल से बोल रहा हूँ ऑडियंस को, ये फिल्म मत देखो ताकि मेकर्स को समझे वो कुछ भी नहीं बना सकते, ताकि हमारे सेंटीमेंट पर फिल्म चल जाए। आप अच्छी फिल्म बनाओगे अच्छी फिल्म चलेगी, हीरो की मेहनत दिखेगी हीरो की फिल्म चलेगी, अगर मेहनत नहीं दिखाओगे फिल्म नहीं चलेगी। हाँ छोड़ो यार, क्योंकि ये फिल्म अभी इतना बुक माई शो पकड़ 120-130 का टिकट पूरा रुक गया, क्या बहुत दुख है, और उम्मीद है कि प्रवास की अच्छी रहेगी, लेकिन ये नहीं चलेगा यार। हाँ कोई रेटिंग नहीं है फिल्म को, कोई रेटिंग नहीं। हेलो, क्या पिक्चर बहुत ही अच्छी थी,
कोई रेटिंग नहीं दी भाई इन्होंने, कोई रेटिंग नहीं दी इन्होंने। बट जो भी देखा उनको एक्सपेक्टेशन अगर पूरा नहीं हुआ तो आपके व्यक्तित्व के ऊपर वो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो प्लीज वही रियल है, बच्चों को दिखा रहे हो तो दिखाओ, लेकिन उसके बाद वो भी बताना कि इसमें कुछ अलग है जो उन्होंने दिखाया है, लेकिन असली जो रामायण है वो अलग है। म्यूजिक, एक्टिंग, वीएफएक्स सब परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस्ट्यूम पे ध्यान देना चाहिए थोड़ा, और जो दिखाया है बचपन से हमने सुना है रावण की जो लंका है वो सोने की है, तो उसमें कुछ सोने की लंका नहीं देखने मिले। आगे जाके जो बच्चे होंगे उनसे जब पूछा जाएगा कि क्या है रामायण, क्या है उनका असली वो मीनिंग क्या है, तो बच्चे लोग कुछ इस तरह बताएंगे। तो अगर बच्चे लोग ये सब देखेंगे तो जो हमारे रिचुअल्स ये सब जो होते हैं वो इफेक्ट पड़ेंगे और थोड़ा अलग हो जाएंगे। बस ये कहने का था, एंजॉयमेंट के लिए आ रहे हो। देखो यहाँ पे सारी चीज ये है कि जो चीज हम लोगों के दिमाग में पहले से ही फीड अप है, अब हम लोग ने पुरानी रामायण देखी है, अब हम लोग ने पुरानी रामायण देख के वहां से जो कुछ भी हम लोगों के दिमाग में बंधा है, अब उससे अगर अलग कोई भी चीज होगी, अब अगर सोने की लंका थी, इस बार अगर चांदी की लंका कर दी, तो आगे की जनरेशन तो यहाँ पे यही कहेगी कि रावण की यहाँ पे चांदी की लंका थी। तो सारा खेल यहाँ पे दिमाग का था, सारा खेल यहाँ पे फीडअप का था, हम लोगों को जो चीज़ दिमाग में बैठी थी वैसी ही मिलनी चाहिए थी। बट यहाँ पे बॉलीवुड वालों ने थोड़ा सा सोचा कि इस बार अलग करते हैं। अब सोच के देखिए कि सारी की सारी वैसी ही मूवी जैसे रामायण बनी थी पिछली बार वाली, ठीक है पुरानी वाली, तो अगर वैसी की वैसी ही बना देते, बिल्कुल कॉपी टू पेस्ट कर देते हैं, तो क्या लोग देखने जाते? वीएफएक्स वगैरह ना होता, वैसे ही उस टाइम की जो भी वहाँ पे वीएफएक्स थे वैसे ही उठा के डालते, तो क्या सच में कोई लोग देखने जाते? जरूर जाते। अब आप खुद ही सोच के देख लो, जो अभी रिसेंटली गदर यहाँ पे हॉल में लगी थी, तो क्या वहां पे लोग दोबारा उस चीज को देखने गए? कितने बार लोगों ने गदर मूवी देखी? तो चलिए जय श्री राम, आपने मूवी देखी या नहीं देखी नीचे कमेंट सेक्शन में बताने की कोई जरूरत नहीं है। सॉरी 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 सॉरी, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आदि पुरुष से रिलेटेड, वो जरूर से बताइएगा। और आज के वीडियो का टारगेट रहने वाला है 10,000। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ?